जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अली वालेकुम भाई। अस्सलाम। अली भाई, आपसे कुछ मशवरा लेना था। मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है मुझे, बाबा टैब ले कर दो, बाबा टैब ले कर दो। तो मैं बड़ा परेशान था, आजकल मार्केट्स में कोई अच्छी टैब्स नहीं मिल रही है। मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छा टैब मिल जाए जो कम रेंज में भी हो लेकिन वो वारंटी में भी हो, ताकि कल को वो टूट जाए या कोई मसला हो, हाँ बिजली बस की तरफ मैं का कोई तेरी इशू मुश्किल हो। समझ गया। तू ऐसा कर, तू वेट कर, मैं तुझे ना एक तो टैब्स के बारे में बताता हूँ और तुझे खुशखबरी ये भी देता जाऊँ कि ये वारंटी में आती हैं। पाकिस्तान में ये बहुत सारे ब्रांड से बेहतर टैब होने वाली है। तो एक दिन वेट कर मेरे कहने पर, कल तक अपने बेटे को भी ये वीडियो दिखाई, खुद भी देखी, और मेरी बहन भाभी अपनी मेरी भाभी को भी ज़रूर दिखाना ताकि आपको मेरी वीडियो से हेल्प आउट हो सके। ठीक है, मैं आज वीडियो कंप्लीट करूँगा, कल इंशाल्लाह वीडियो तुझे मिल जाएगी। राइट। ठीक है अली भाई, थैंक यू सो मच। और आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वारंटी के साथ टैब आया है। हाँ चलो मैं बताता हूँ तुझे। गुड, थैंक यू। ओके ओके अली भाई, अल्लाह हाफिज। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे मुद्दे के बारे में या ऐसी बात के बारे में जिसके लिए आपका बेटा भी बहुत जिद करता होगा, आपके घर वाले भी बहुत जिद करते होंगे, या शायद आपको ऑफिस वाले भी जिद करते होंगे या तंग करते होंगे कि मुझे हमें कम से कम ऐसी डिवाइस चाहिए जिसके ऊपर हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे इन कमेंट सेशन बताइएगा कि आपको मेरा ये ट्रेंड वीडियो का स्टार्टिंग का पसंद भी आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन पहले अपने बेटे, अपनी बेटी और अपनी घर वालों को साथ बिठाइएगा। मेरी ये वीडियो आप घर वालों को जरूर दिखाइएगा ताकि उनके कमेंट्स भी मुझे पता लग सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेनोवो के 3 टैब। एक टैब होगा 7 इंच का, बेटा आप भी देखो इसको, ये 7 इंच का टैब है। बाबा को जिद जरूर करना लेके देने की, और ये लेनी है तो सिर्फ ग्रीन टेक की वारंटी में लेनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्राफिक्स देता है, बहुत अच्छा कैमरा है। अगर आप गेम खेलते हैं तो बेटा आपको ये फर्स्ट क्लास मजे देने वाला है। अब बात करते हैं अपनी बहनों की और अपने बाकी जो कॉलीग्स हैं उनकी, तो बेटा आपको ये टैब सूट करेगी। ये 8 इंच की टैब है लेनोवो की, बहुत फिट चलने वाली है। इसमें आपको 4G मिलता है, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 425 मिलता है। अब आगे जाके इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। अब बात करता हूं मैं अपने उन भाइयों के साथ या उन बहनों के साथ जो ऑफिस वर्क करती हैं, जिनको बहुत बड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। तो आप इस टैब को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, ये है टैब 4, 10 इंचेस में, लेनोवो की तरफ से पाकिस्तान में दिया गया है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे ब्रांड है जो अच्छी टैब्स में काम कर रहे हैं। सैमसंग नॉन ऑफिशियल आता है, ऑफिशियल टैब्स नहीं मिलती, और थोड़ी सी आपको मार्केट में रेट महंगा मिल रहा होता है उसकी स्पेक्स के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इन कमेंट सेशन मुझे बताइएगा कि अली भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेनोवो की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, टैब 7 एसेंशियल आपको देखने को मिलता है इस तरह के पैक में। फ्रंट साइड पर मिलता है आपको आईफ्लिक्स का वाउचर जो कि 1800 वर्थ का होता है, जिसमें आप 6 मंथ्स की अनलिमिटेड डाउनलोडिंग मूवीज़ की कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रियर साइड पर आपको देखने को मिलती है स्पेसिफिकेशन लिखी हुई। स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाएंगे कि आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मीडिया टेक का मिलता है, 8735 का प्रोसेसर, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है लेकिन टैब के लिए बहुत बेहतर है। 7.0 नगेट मिलता है आप। टैब को अनबॉक्स कर लिया हमने, सबसे पहले टैब को रखेंगे हम साइड पर, बात करेंगे इसकी एक्सेसरीज़ की। इसके अंदर आपको देखने को मिलती है मैनुअल बुक्स, यूज़र गाइड्स,
और थोड़े बहुत आपको इसमें स्केच मिलते हैं बुक्स में, और बताया जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें क्या नहीं। यूएसबी केबल मिलती है 2.0 की चार्जिंग की, और जो चार्जर मिलता है वो आपको मिलता है 2 एम्पेयर का, जो कि नॉर्मल चार्ज करता है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती टैब, इवन अभी तक कोई भी ऐसी टैब नहीं है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हो। निकालेंगे टैब को, और टैब काफ़ी कूल लुक है, प्लास्टिक केस की बनी हुई है। फ्रंट पर आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। ऑन करेंगे इसको और आपको बताते चलें कि इसके फ्रंट पर भी 2 मेगापिक्सल है, रियर पे भी। प्लास्टिक केस है, खुदा ना खासा अगर गिर जाए तो जल्दी टूटने का डर नहीं। और माइक्रो USD कार्ड की स्लॉट मिलती है डेडिकेटेड, जो कि आप 256 GB तक सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज लिनोवो के टैब का अनबॉक्सिंग। मुझे पता है कि ये एक नई चीज है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो फैमिली है, मुझे प्रमोट करती है, और मैं बड़ा थैंक्सफुल हूं आप सब लोगों का जो मुझे प्रमोट करते हैं और मैं इस तरह की नए नए आइडिया और नए नई चीजें लेके आता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बेटा अभी भी साथ है तो उसको बताएं कि बेटा ये टैब बहुत अच्छी है, ये गिरती है तो टूटती नहीं है जल्दी, क्योंकि इसका स्टफ बहुत बेहतर है। और कैमरा की बात करें तो बच्चों को 13, 14, 15, 20, 25 मेगापिक्सल नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है कि भाई पिक्चर अच्छी आ जाए, बाबा मेरी सेल्फी अच्छी आ जाए। तो ये आपको सेल्फी भी कदरे बेहतर देता है क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके थोड़े ऑल ओवर डायमेंशंस और रिव्यू की। तो 7 इंच वाली जो टैब है वो नॉर्मली आपको देखने को मिल रही होती है। इसके अंदर आपको हार्डवेयर मिलेगा मीडिया टेक का, जो कि 64 बिट पे काम करता है। 8735D इसका प्रोसेसर होगा। 7 इंच की स्क्रीन है जो सपोर्ट करती है 1080x1960 को। 6000 IPS LCD होगा। LPDDR3 की 1GB RAM इस्तेमाल की गई है, 16GB की इसके अंदर ROM है, और इसके अंदर आपको 7.0 नगेट देखने को मिलता है। बैटरी मिलती है 3450 mAh की। अगर आप इसको सिम के साथ भी लेना चाहें, मतलब आप इसमें नेटवर्क को यूज करना चाहें, तो इसको थोड़ा सा 1000 से 1500 रुपये ज्यादा भर के आप 7 इंच की ही टैब ले सकते हैं, जिसको टैब एसेंशियल ही कहती है लिनोवो, लेकिन वो GSM होती है। अब बात करते हैं 8 इंच वाली टैब में। 8 इंच वाली टैब में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 425 8 इंच का डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करता है 1280x1920 के पिक्सल्स को, जो कि IPS डिस्प्ले है। LPDDR3 के 2GB का रैम मिलता है, 16GB का आपको इसके अंदर रोम मिलता है, और साथ ही आपको देखने को मिलता है 4G LTE। इसके अंदर भी ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कि आप GSM लेना चाहें तो LTE 4G का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एंड्रॉयड सिंपल, अगर विदाउट उसके GSM यूज करते हैं, घर में वाईफाई लगा है तो भी बेहतर है। बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी आपको मिलता है 4850 mAh का बैटरी। भाई 2 दिन तो टैब से गेम खेल पाओगे। अब बात करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, अगर आपको टैब चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं एम्ब्रॉयडरी का, उनको मैं रेफर करूंगा कि आप ये 10 इंच की टैब जरूर लीजिएगा। इसके अंदर आपको बैटरी मिलती है 7000 mAh की, और आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है 425 ड्रैगन का। इसके अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 1280x1920 का। LPDDR3 की 2GB की रैम है, 16GB का रोम है, और इसके अंदर भी आपको 4G मिलता है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये आपको बड़ी फिट स्पीड देता है। अब बात करते हैं इनकी प्राइसेस की। तो जो 7 इंच की टैब है विदाउट सिम कार्ड, वो आपको मार्केट मिलती है 15000 रुपए की। 1000 से 1500 रुपए ऊपर भर के आप ले सकते हैं GSM टैब। ऐसे ही 8 इंच की टैब है, वो आपको मिलती है 20-22 हज़ार रुपए की रेंज में, अगर आप GSM लेना चाहें तो, डिपेंड आप पे करता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना भूल गया, इसके अंदर आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस इफ्लिक्स का। जो लोग मूवीज के शौकीन है और कहते हैं कि भाई मूवी देखनी है रात को, लाइट नहीं चला सकते, बच्चे उड़ जाते हैं, तो भाई इस टैब पे देखना 6 महीने का आपको अनलिमिटेड डाउनलोडिंग इफिलिक्स का मिल जाता है। साथ ही आपको जैस का आपको इसके अंदर मिलता है 1GB डेटा, जो के लेकिन ये डाटा आपको मिलेगा GSM पर, जस्ट जो GSM सपोर्ट करेंगी उसके अंदर आपको ये डाटा मिलेगा, जो कि 6 महीने के लिए अनलिमिटेड डाउनलोडिंग देता है। सो गाइज, मुझे जरूर बताइएगा कि ये टैब आप लेने वाले हैं कि नहीं। मुझे इंतजार रहेगा आपके रिव्यू, आपके कमेंट्स का। और अगली वीडियो तक के लिए
मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं अली मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।